किसान मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अमन मौर्य खेती चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भिंडी की फसल। बात करते हैं भिंडी की फसल के बारे में। तो आज हम जहां पे आए हैं, यानी लोकेशन पे आए हुए, भिंडी की खेत में आए हुए जहां पे शूट करने, वो एक हम फार्म पे आए हुए। जी हाँ, एक फार्म पे। तो आइए आपको हम दिखाते हैं भिंडी की फसल की, भिंडी की फसल फार्म पे कैसे उगाई जाती है और कैसे इसका उत्पादन किया जाता है। आप लोग एक मन में आप लोगों के एक सवाल जरूर उठता होगा कि जो हम मार्केट से भिंडी के बीज खरीदते हैं, प्रोवाइड करते हैं, लेते हैं, वो कहाँ से हमको मिलते हैं, वो कैसे बीज बनाए जाते हैं या किस तरीके से उनके पौधे फार्म पे उगाए जाते हैं, वो संपूर्ण जानकारी को देख सुनने के लिए या देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे अमन मौर्य खेती चैनल से। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं भिंडी से और जानते हैं भिंडी फार्म पे कैसे उगाई जाती है और इसके बीज कैसे तैयार किए जाते हैं। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम इस समय बिल्कुल भिंडी के खेत में खड़े हुए हैं और आप हमारे पौधे में देख सकते हैं यहाँ पे कैसी भिंडी लगी हुई है, बहुत अच्छी प्रजाति की। हमारे किसान मित्रों, हम बात करें इस भिंडी की प्रजाति की, तो इसकी जो प्रजाति है वो काशी चमन भिंडी है। और बात करें इसके रोपाई की, इसके बीज की बुआई की समय की, तो ये भिंडी जो है हमारी 15 जुलाई को इसकी बुआई की गई थी। और इसकी बुआई किसी नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, जैसा कि हम लोग अपने यहाँ भिंडी बोते हैं तो उसमें काफ़ी गैप रखते हैं, लगभग 2-2.5 फीट के करीब में गैप हम उसके उसमें रखते हैं। और उसके जो हम नाले बनाते हैं वो फावड़े से बनाते हैं। और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर नाले दिख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर नाले दिख रहे हैं, वो तकनीकी तरीके से बनाए गए हैं, यानी कि मशीन से बनाए गए। किस मशीन से बनाए गए, आप सब लोग जानते हैं, आलू बोने की मशीन से ये नाले बनाए गए हैं। और जैसा कि मेरे किसान भाइयों, आपको हम भिंडी में बता देते हैं, भिंडी देख रहे हैं, ये हमारी भिंडी लगभग इस समय 2 महीने के ऊपर हो चुकी है। इसको 15 जुलाई की डेट में बोया गया था, अभी इसको 2 महीने से ऊपर हो गया है और अभी लगभग इसको पकने के लिए, यानी इसके बीज तैयार होने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भिंडी। किसान मित्रों, बात करें अगर हम इस भिंडी के उत्पादन की, तो जैसा कि आप पेड़ में हमारे देख रहे हैं, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि अन्य तकनीकी की, यानी अन्य नॉर्मल तकनीकी से अगर हम इस तकनीकी से भिंडी की खेती करते हैं तो हमारा उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। यानी नॉर्मल तकनीकी से अगर हम इस तकनीकी से खेती करते हैं, या वैज्ञानिक तकनीकी से, ये एक वैज्ञानिक तकनीकी है भिंडी की खेती करने की, अगर इस हम वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करते हैं तो नॉर्मल तकनीकी से ज़्यादा हमारा इसमें उत्पादन होता है और हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में बचत होती। और अगर बात करें भिंडी की, तो भिंडी तो एक बहुत ही लोकप्रिय सब्जी हमारे भारत में, काफ़ी बड़े पैमाने पर, यूँ या फिर यूँ कह लीजिए कि विश्व में काफ़ी बड़े पैमाने पर भिंडी की खेती की जाती। और आपको हम बता दें इसमें विटामिन ए, बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और कुछ राज्यों में तो इसकी काफ़ी बड़े स्तर पर भी खेती की जाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया आपका, असम हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, इन राज्यों में काफ़ी बड़े पैमाने पर काफ़ी बड़े स्तर पर भिंडी की खेती की जाती है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम एक फार्म पर आए हुए हैं, एक फार्मिंग भिंडी, तो प्रोसेस ये है कि यहीं से हमारी भिंडी जब पक जाती है, लगभग अभी 1 महीने का इसमें समय लगेगा। आप देख सकते हैं खेत, देख सकते हैं लगभग कितना बड़ा खेत है। भैया जरा कैमरा घुमा के दिखाई। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लगभग ये 25 से 30 बीघे का फार्म है और यहाँ पे भिंडी की काफ़ी बड़े स्तर, काफ़ी बड़े पैमाने पर खेती की जा रही हो। यहीं से लगभग 1 महीने का भी समय लगेगा, इसमें ये भिंडी पक जाएगी, फिर इसके बीजों को निकाला जाएगा, यानी भिंडी को क्रॉपिंग किया जाएगा, फिर इसके बीजों को निकाला जाएगा और इन्हीं बीजों को पैकेट में पैक करके, इनमें जो भी रासायनिक केमिकल कंपनियों के द्वारा डाला जाता है, उन रासायनिक तकनीकी से पैकेट में पैक करके आपके मार्केट में बिकने के लिए सप्लाई कर दिया जाएगा। यही भिंडी हम लोग लेकर आते हैं, अपने खेतों में बोते हैं। तो किसान मित्रों, लास्ट में आपसे एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपको भिंडी का अधिक उत्पादन लेना है तो आप इस तकनीकी से जरूर खेती करें भिंडी की और काफ़ी मात्रा में लाभ उठाएं। जैसा कि एक वैज्ञानिक तकनीकी आप बता देते हैं कैसे इसकी खेती करना है। और ये भिंडी हमारी बलुई रेतीली मिट्टी में बोई गई, जिस फार्म पे हम इस वक्त आए हैं वहाँ की बात करें मिट्टी की, तो बलुई रेतीली मिट्टी है यहाँ पे। और अगर इस तकनीकी से आपको खेती करना है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है,
आपको अपना खेत तैयार करना है, फिर उसमें ट्रैक्टर से जैसे हम आलू बोते हैं उसकी मशीन से आपको नालियां बनाना है, फिर उसमें बात करें अगर भिंडी के बीज को बोने की तो उंगली से यानी चुटकी से बीज को पकड़ कर जैसा कि हमने आपको दिखा रहे स्क्रीन पे इस तरीके से उसमें भिंडी को बोना है और उसको बराबर कर देना है, ढक देना है। फिर जब वो हमारी भिंडी तैयार होगी तो ना इसमें कोई ज़्यादा खर का भय रहता है, खरपतवार का भय रहता है और ना किसी ज़्यादा चीज़ की दिक्कत रहती है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसकी पैदावार होती। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की रोचक जानकारियाँ पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे अमन मौर्य खेती चैनल से और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।